Tennis Cricket dot in India's first tennis ball cricket website. बाद अमरीश है, प्लीज जो खिलाड़ी है अंदर न जाए, जो कैप पर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इस बार मात्र खेला गेंद, अंदर आती हुई गेंद को फील्ड किया। अभी इस वक्त जो टीम के नाम मैंने बताया, साई समिति स्ट्राइकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है और पुष्पमित इस वक्त फील्डिंग कर रही है। पुष्पमित के पहले गेंदबाजी और पुष्पमित के लिए पहली ओवर इस वक्त गहरा गेंदबाज इसका नाम है दिलीश। बहुत ही पावरफुल टीम है पुष्पमित इस बार, लेकिन साई समिति स्ट्राइकर भी कुछ भी कम नहीं है। अच्छी टीम है और पहली गेंद भी डॉट गेंद आई ग्राउंड नंबर वन पर। दूसरी गेंद भी माफ कर रहा हूं, लेकिन ग्राउंड नंबर टू पर मैं आ रहा हूं और इस वक्त एक रन कदमों के सहारे खेल लिया। गेंद आ गया लेग बैक गेंद पर रन मिलता हुआ और सिली मिडल रिजल्ट पर गेंद आई, शॉर्ट रिजल्ट पर गेंद थी और एक रन। अमरीश गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत सालों का अनुभव अभी अमरीश के साथ में जुड़ा हुआ है गेंदबाजी को लेकर। एक अला दर्जा के खिलाड़ी अमरीश, एक अच्छा उनका स्टार्ट है, मध्यम गति से दौड़ कर आते हैं, गेंदबाज को टटोलते हैं, उसके बाद गेंद डालते हैं। आइए देखा ये मध्यम गति रखी, लेकिन क्या बैटर स्ट्रिक लगता हुआ सिवा से कहता छह रन के लिए और खुद ताली बजा। उन्होंने कहा कि बल्लेबाज की तारीफ की, गुड शॉट उन्होंने खुद ने कहा। गति पर उन्होंने जरूर किया था, छह रन बॉल देना है जुना अंदर, प्लीज यूज बॉल देना है आपको। अभी इस वक्त बहुत बढ़िया शॉट और इसी के साथ छह ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन की गति हो चुकी है मैदान के बीच में, स्कोर बोर्ड है 66 दिखा रहा है इस वक्त विनय पाले लाइन के लिए। और जब मैं मैच कर रहा था ग्राउंड नंबर टू की बात की, उल्लास बसी बना पंचशील स्ट्राइकर के बीच मुकाबला होने वाला है और ग्राउंड नंबर टू का जिक्र हुआ तो निमित जी कहते हैं कि प्लीज 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 वो मुकाबला उस मैदान पर न खिलाया जाए, क्योंकि तेजस जैसा घातक बल्लेबाज वहां पर बल्लेबाजी करने वाला है और तेजस मेरे ठीक बगल पर बैठे हैं, बाहर के छोर पर हंस रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सबसे आउटस्टैंडिंग सबसे बढ़िया बल्लेबाज जिसकी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि हर साल उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है और दर्जा खिलाड़ी है, परिपक्व खिलाड़ी है। और मैं तो चाहता हूं कि तेजस हमारे साथ में टेनिस क्रिकेट में भी आए खेलने के लिए और तेजस को सारा दुनिया इस वक्त पूरी वर्ल्ड देखने वाली है, क्योंकि www.tennisricket.in पूरे दुनिया भर में आपको सारे मैचेस दिखाने वाला है। आपको क्लिप यूट्यूब पर दिखाए जाएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा अपने बल्लेबाजी, आपका चित्ररक्षण, आपकी गेंदबाजी।
अगला ओवर इस वक्त अमरीश भाई इस वक्त चिराग भाई गेंदबाजी के लिए माफ करें ओहो अरे चिराग भाई गेंदबाजी कर रहे हैं सबसे घातक गेंदबाज है और गेंदबाजी को लेकर पहली गेंद डॉट डाली सलट गेंदबाज है चिराग भाई गेंदबाजी कर रहे हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए सचिन तेंदुलकर टीम का नाम पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी उसके बाद में की थी अगली गेंद इस बार लड़की मिली थी बहुत बढ़िया तरीके से प्रेस किया बल्लेबाज ने और सुरक्षा ढंग से खेला गेंद को केवल एक रन कभी कभी मैं कहता हूं आग पानी और चिराग को डरो आग जलाता है पानी डुबाता है चिराग तर पाता है इससे चिराग भाई गेंदबाजी कर रहे और इस बार मात्र बहुत बढ़िया गेंदबाजी सच में शानदार इस वक्त गेंद अंदर आई समझ नहीं पाया बल्लेबाज और कभी कभी कहते हैं ना अंधेरे को उजाला में लाने के लिए चिराग ही काम आता है तो ये चिराग इस पंचशील पैंथर का एक अच्छा गेंदबाज टैलेंटेड गेंदबाज जिसको पूरा ध्यान है एक चाणक्य नीति के साथ में गेंदबाजी कर रहा है मैदान में तंत्र शुद्ध जिसे कहते हैं और शुद्धता साफ साफ झलकती हुई इस खिलाड़ी की शॉट लेग रीजन पर गेंद है गेंद को फील्ड किया अच्छा चित्र रक्षण जहां पर खिलाड़ी खड़े वहीं पर गेंद जा रही है बहुत बढ़िया फील्डिंग रनों की गति इस वक्त बढ़ रही रन संख्या हो चुकी है 700 ओवर प्रगति पथ पर है 69 रन 69 रन हो चुके 69 रन चिराग की अगली गेंद बल्लेबाज स्ट्राइक पर इस बार खेला बल्लेगिरी से गेंद कैच हो सकता है प्रगति खिलाड़ी पर गेंद को फील्ड किया और एक इस वजह के बाहर जा रही है चार रन चिराग भाई कहते सुकर छे यार पांच डुबाने ना यार सुर जरूरत से तेने आगे जाओ नहीं बिल्कुल सही कहा मैंने कोशिश कर रहा हूं मैं हरीश भाई आकाग है गुजराती कहने की हम सारे महाराष्ट्र है लेकिन बहुत कम हमें इस वक्त अभी गुजराती बोले लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं इस वक्त गेंद गई सीमा आशक है बाहर डीप मिली के रिजल्ट पर चार रनों के लिए इस बार आपने वेट किया मूल तो जवाब दिया इस गेंद का अंदर आती हुई गेंद चिराग बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी 73 रन सात ओवर के बाद प्रति ओवर अगर देखा जाए 9.1 का औसत है 8.95 का औसत है और इस वक्त ओवर समाप्त हुआ अब श्रीनिवास गेंदबाजी के लिए आए और ग्राउंड नंबर वन पर मैं जा रहा हूं रन संख्या हो चुकी ग्राउंड नंबर वन पर 8 रन हो चुके हैं ग्राउंड नंबर वन पर 12 रन 73 रन और इस वक्त पैनिक पावर प्ले एक और 12 रन मदरडी पावर प्ले आ रहा है बहुत बड़ा मदरडी पावर प्ले जब आता है तब बल्लेबाज कुछ ज्यादा मौका मिलता है मेरे ख्याल से और शायद आखिरी ओवर है इस वक्त मैदान के बीच में और अच्छी गेंद शानदार गेंदबाजी श्रीनिवास सच में जो उनकी स्टाइल है मुझे मुनाफ पटेल की याद आ रही है बढ़िया आराम के साथ रनवे पे दौड़ते हैं पंपिंग क्रीज के पास आते हैं और उछल कर गेंदबाजी करते हैं गेंद बल्लेबाज को टटोलते हैं जो एंगल होता है गेंदबाजी का जब गेंद हम लेके आते हैं आपको तो जो दाएं हाथ के कोने को देखकर गेंदबाजी करनी पड़ती है आपको जब आप जब कान के पास आता तब गेंद को छोड़ते हैं क्योंकि जो नियम है क्रिकेट को उसी को तहत हम यहां पर कॉमेंट्री कर रहे हैं इस वक्त स्टर किया गेंद गई थर्मैन रिजन पर चार रनों के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है चौका आता होगा मौके के रिजल्ट को देखते हुए और क्या अंपायरिंग कर रहे हैं क्या आधा इस वक्त अंपायर की नजर आती हुई साइमन टफर डेविड शेवेड उसके बाद बिली बाउटन ऐसे कई सारे अलग अलग के अंपायर को हमने देखा लेकिन इस मैदान का कोई अच्छा अंपायर होगा अच्छा प्रशिक्षक होगा तो केवल एकमात्र हितेन यादव होगा बहुत बढ़िया अंपायरिंग हितेन भाई आखिरी ओवर मैदान के ऊपर चल रहा है प्रगति पथ पर है और 78 रन गेंदें बची इस आखिरी ओवर की चार और बल्लेबाजी चल रही है ग्राउंड नंबर वन पर अभी अभी मुकाबला चल रहा है दो ओवर 12 रन
एक ओवर 12 रन हो चुके थे, एक ओवर 7 था और दो ओवर 12 रन थे, माफ करें। इस बार मात्र सारे खिलाड़ी मेरे कमेंट्री बॉक्स के बाद चिल्लाते हैं ओह माय गॉड, लेकिन इस वक्त कोई भी खिलाड़ी खड़ा नहीं है इस वक्त स्लिप रीजन पर, सरमैन पर बहुत लंबी दूरी पर खड़े खिलाड़ी। बहुत सारे खिलाड़ियों की हेयरस्टाइल होती, लेकिन मुझे आज सदा प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने हर्ष पे। कल भी आएंगे मैदान पर, इसके बाद आपका मुकाबला होने वाला है कलक टीम के सामने, जहां पर खिलाड़ी बैठे थे मेरे सामने तेजस। इस बार खेला बहुत बढ़िया शॉट, खिलाड़ी गेंद सीमा से के पार गए, मिडिल के रीजन पर 6 रनों के लिए। निखिल और चिस्सल इस वक्त सच में अगर कहा जाए विनय पार्ले टीम के पास, ये सारे खिलाड़ी मतले क्रम के जितने भी है, बहुत बढ़िया योगदान उनका अपने टीम के लिए, जो रन रेट को रखते हुए मद्देनजर गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाज भी है, टीम के अच्छे बल्लेबाज भी है, और 2 सिक्स जग चुके हैं उनके बल्ले से। इस बार मात्र नटराज पोजिशन में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद कदम को लगी, लेकिन बाइक ग्रुप में एक रन मिलता हुआ। आइए इस वक्त पूरे बार मैंने ठंडे को देख लिया है, आज कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन अब ठंडा क्या करता है मैदान के अंदर। पंचशील ने इस वक्त पैकर के सारे दर्शक इस वक्त मैच का मजा ले रहे, अपनी प्यास को बुझा रहे, एनर्जी ड्रिंक भी यहां पर रखी गई है आपके लिए। इस बार मात्र बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सच में इस वक्त ओ नो बॉल, बहुत बार ओवर पिच इस वक्त सिलोरी जो लाइन के आगे उनका कदम जा रही है, कम से कम 3 लोग इस गेंदबाज को मिले हैं इसी ओवर पिच के लिए। रन संख्या आ चुकी है 87 रन। इस वक्त बहुत बढ़िया रनों की गति प्राप्त की है इस वक्त विनय पार्ले टीम ने, और इसे रनआउट के रूप में खिलाड़ी आउट हुआ जेसल। अब केवल गेंदे कुछ बचे प्रगति पथ पर, केवल एक गेंद का खेल शेष है मैदान के बीच में। पहली इनिंग चल रही है इस वक्त पंचशील पैंथर बनाम विनय पार्ले लायन, और साई समुद्री स्ट्राइकर्स बनाम मुकाबला चल रहा, साई सुरभि बनाम मुकाबला पुष्पमित के बीच। इस बार मात्र बहुत बढ़िया खेले इस ऑफसाइड में, शानदार शॉट और ये 4 रन, और इस वक्त रन संख्या बढ़ती हुई टीम को एक अच्छे मजबूत स्थिति में लाया निखिल और जेसल ने। रन संख्या बनाया 91 रन, सर्वाधिक रन। ऐसा लगा पहले ओवर में केवल 2 रन थे अमरीज के, उसके बाद जो बल्लेबाजी की कमाल की देखा जाए, दूसरा ओवर तीसरा ओवर श्रीनिवास का 16 रन दिए थे, उसके बाद प्रणव आज 10 रन दिए, 7 रन चिराग ने दिए, अच्छी गेंदबाजी चिराग ने की, लेकिन 17 रन अमृत ने दिए और 14 रन फिर प्रदीप ने दिए, और खास कर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी काबिले तारीफ करनी होगी हर्षल, शैलेश, प्रतीक, सौरव, निखिल और जैसल, ये 5 से 6 खिलाड़ी इस टीम के तगड़े खिलाड़ी है। कामयाबी को चूमते हुए पहली मैच जो कि आयरलैंड के खिलाफ हारे, 101 रनों का टारगेट था, 102 रन टू बनाने के लिए थे, लेकिन आसानी के साथ में टीम ने रन को पूरा किया। अब मात्र ग्राउंड नंबर इस वक्त हम आते हैं 1 पर, रन संख्या हो चुकी ग्राउंड नंबर 17 रन, ओवर 3 ओवर 17 रन हो चुके हैं, पहली इनिंग चल रही है। साई सुरभि स्ट्राइकर्स इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है और पुष्पमित इस वक्त फील्डिंग कर रही है। लायंस क्लब ऑफ मुंबई महावीर नगर वेलकम डिस्ट्रिक्ट 323A3 इस वक्त आपके बीच में महावीर नगर प्रीमियर लीग, एक बहुत बड़ी क्रिकेट की मेजबानी जिसे कहते हैं, एक लच्छेदार स्वाद क्रिकेट का आपके सामने लेकर आया है और आप सब इसी स्वाद का मजा चक्र है। आइए आपके सामने इस वक्त इसके बाद का मुकाबला उल्लास बस्ती बनाम मुकाबला होने जा रहा है पंचशील स्ट्राइकर का, ग्राउंड नंबर 2 पर तैयार रहेगा।
आइए हमारे बीच में इस वक्त फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के रेडियो कमेंटेटर आदरणीय हरीश पंड्या जी जो कि गुजराती में आपके सामने आ रहे हैं। वेलकम हरीश भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय कुलकर्णी, खूब खूब आभार। मित्रों, लायंस क्लब ऑफ मुंबई महावीर नगर तरफ आप सबनु हार्दिक स्वागत है। चौथी महावीर नगर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में अत्यारे जे मैच रमाई रही छे ते पंचशील पेंथर्स अने विले पार्ले लायंस वच्चे, अने बन्ने टीम ना कलर पण जुओ तमे एवा ज आपवामां आवेला छे जाने आपणे आम नेशनल पार्क में फरी रह्या होय। इको फ्रेंडली कलर, फक्त एक ज छे कि हवे सी नो जे जबड़ू छे तेना उपर चीतो तरफ मारशे के सी चीता नो शिकार करशे। मात्र एक वस्तु पाकी है कि सिंह और चीता की लड़ाई में हरण ससला आ बदा मजा लई रहा है। आ पूरी क्रिकेट टूर्नामेंट www.tenniscricket.in पर आप जोई शको छो। हाईलाइट्स और आखी मैच नु रेकॉर्डिंग यूट्यूब पर आता 48 कलाक में अपलोड थी जैसे। अमरा जो बंदे कैमरामैन है एमने पर खूब खूब आभार, इवेंट मैनेजर धनंजय कुलकर्णी एमने विशेष आभार, तमज मारा मित्र निलेश नंबरी जेना कारण लायंस क्लब ना निमेश भाई साथ ओळखाण थई हती। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ना मेंबर्स ने टूर्नामेंट में तो आप सबने हैप्पी न्यू ईयर, नवा वर्ष आप सब माटे सुखमय मंगलमय शांतिमय प्रगतिमय नफामय क्रिकेटमय रहे भी हार्दिक शुभेच्छा। विद्यार्थियों ने सारा मार्क मिले, मुरतियाओं ने सारो पार्टनर मिले, जे लोग लॉस में नफा में आए, जे ताली में रहते हो बिल्डिंग में आए, जे बिल्डिंग में रहते हो बंगला में जाए भी शुभेच्छा। जे लोग कैम्ब्रिज पहरता हुए एलन सॉली पहरे, जे एलन सॉली पहरता हुए अरमानी पहरे एवं हार्दिक शुभेच्छा। तो राशिल और प्रदीप ओपनिंग बैट्समैन आ चुके हैं पंचशील पेंथर्स ना। पहली ओवर करी है सौरव, हुलास बस्ती और पंचशील स्ट्राइकर्स नो टॉस थवा जई रह्यो छे। हुलास बस्ती हीरोज अने पंचशील स्ट्राइकर्स बन्ने टीमों पोतानी पहली मैच हारी गया छे, माटे हवे तेमना माटे मस्ट विन गेम छे लीग स्टेज मा। तेमज विकी किंग्स अने ब्लू इलेवन बानू रन मैच जीतवा माटे बनावाना छे। अने पहले दौरान ओवरपिच जगह पर उभा रहीने मारवानो प्रयत्न ने आउट झीलाई गया छे। जगह पर उभा रहीने रम्या हता, फूटवर्क बिल्कुल ट्राफिक जाम में फसायेली गाड़ी नी जेम, न आगळ न पाछळ, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एंड हो गया रब्बा रब्बा। तो हवे पाछा आवी रह्या छे राशिल। मैच ना पहला ज दड़ा उपर ते शून्य पर आउट थयेल छे गोल्डन डक, अने तेमनी जगह माटे हवे आवी रह्या छे नवा बेट्समैन प्रणव। बीजी एक वस्तु मैं जोई, पंचशील पेंथर्स ना घणा बधा खेलाड़ीओए दाढ़ी वधारेल छे, कदाच कोई मानता खरेखर मतलब एक राशिल नो एकदम हार्ड लुक्स छे। तो उल्लास बस्ती और पंचशील स्ट्राइकर वच्चे हवे मैच रमाशे, टॉस मैं आ जाए उल्लास बस्ती और पंचशील स्ट्राइकर। तो पहला दड़े विकेट मेळवेल छे बोलर सौरवे, संस्कृत में जेम कहेवाय छे प्रथम ग्रासे मक्षिका, पहला ज मुक्का में धराशायी करेल छे। अने आ वक्ते लेग स्टंप पर दौड़ो मोटो फटको और आ साथे ओ ओम दबाय नमः
બીજા બેટ્સમેન આઉટ થયેલ છે. માત્ર મયુર કિતના હોય, પ્રણવ આઉટ થયેલ છે અને એમની જગ્યા લેવા માટે નવા બેટ્સમેન થઈ ગયા છે કરણ. અને શરૂઆતના ત્રણેય જે બેટ્સમેન છે, મતલબ કઈક એવો મંત્ર આપી રહ્યા છે કે સાચવીને રમજે. હું તો ન રમી શક્યો પણ તારા પર છે. હવે બીજી એક વસ્તુનો આનંદ અને આશ્ચર્ય છે કે બંને ગાડીવાળા બેટ્સમેન આઉટ થયા બાદ ત્રીજો ગાડીવાળો જ બુક લે છે. આને કહેવાય કોન્ફિડન્સ. હેટ્રિક ઉપર, હેટ્રિક ઉપર હવે સૌરભ. અને જો આ હેટ્રિક પૂરી થઈ તો ખરેખર મારે નેશનલ પાર્કમાંથી ચાર પેન્થર બોલાવવા પડશે બેટિંગ કરવા. તો આવો પંચશીલ સ્ટ્રાઇકર અને ઉલ્લાસ બસ્તી હીરોઝ. સ્ટ્રાઇકરે સ્ટ્રાઇક કરવું પડશે, હીરોએ હીરોની જેમ ચમકવું પડશે. આ વખતે હેટ્રિક બચાવી લૂઝ બોટમેન્ટથી એક રન પૂરો કરવાનો પ્રયત્ન હતો, પૂરો થયેલ છે. કરણે એક રન પૂરો કરેલ છે. સિક્કો ઉતારવામાં આવેલ છે. લગભગ પહેલા બીજા માળ સુધી સિક્કો ગયો તો સિક્કો પડેલ છે. ઉલ્લાસ બસ્તી હીરોઝે ટોસ જીતીને બેટિંગ લીધેલ છે. લો આમના કેપ્ટને પણ દાઢી વધારે છે. વાઇડ બોલ. હવે સ્કોર આગળ વધીને બે વિકેટના નુકસાને સૌરભનો આગલો ધડો. ઓવર પીચ બોલ અને આ સાથે ઠોકી દીધેલ છે મેદાનની બહાર. ચાર રન, ચાર આપેલ છે ભાઈ. આમાં એક જ વસ્તુ છે કે હવે તકલીફ વાળા સમયમાં જે આવે એને વધાવી દેવા. હું તો એક જ કહીશ પંચશીલ પેન્થર્સને કે ઇસ્કો બના ડાલા તો લાઈફ જિંદા લાલા. બાણુ બનાવવાના છે. દિલ્હી બી દૂર છે, દેહરાદૂન પણ દૂર છે. સ્ટમ્પની નજીક આવીને આ દડો. ઓવર પીચ હતો. આ વખતે આગળ આવીને રમવાનો પ્રયત્ન. ત્રણ સ્ટમ્પ ખુલ્લા મૂકી દીધા હતા, ઘર ફોડી જતા થતા રહી ગઈ. છ રન બે વિકેટના નુકસાન ઉપર રાશિલ અને પ્રણવ આઉટ થયેલ છે. પ્રદીપ અને કરણ રમી રહ્યા છે. પ્રદીપ આ વખતે ટેપ કરીને લૂઝ બોટમ હેન્ડ, જમણો હાથ બેટના હેન્ડલ પરથી પહેલા લઈ લીધો હતો. શોટને થોડો સ્લો કરી નાખ્યો હતો જાણી જોઈને, જેથી રન પૂરો થાય. પહેલી ઓવર સફળ ઓવર રહી સૌરભની. અને વિલે પાર્લે લાયન્સે બતાવી દીધું છે કે તેઓ વિલે પાર્લાથી કાંદિવલી, કાંદિવલી દર્શન માટે નહીં પરંતુ જીતવા માટે આવેલ છે. બીજી બાજુ હવે પંચશીલ પેન્થર્સની જવાબદારી એ રહેશે કે ફેડક્સના પાંજરામાં સિંહને પૂરીને પાર્લા પાછા મોકલવા. તો પહેલી ઓવર બાદ સાત રન બનેલ છે. બચેલી સાત ઓવરમાં 85 અને આ 14 નંબર વાળા ટી શર્ટ ના ભાઈનું નામ આપજો, જેસલ. જેસલભાઈ એમની સામે રમવા જઈ રહ્યા છે. પ્રદીપ નોન સ્ટ્રાઈકર પણ છે. કરણ પાવર પ્લે ની પહેલી ઓવરમાં સાત રન બનેલ છે. બે વિકેટના નુકસાને પહેલા બે દડામાં બે ઝટકા આપ્યા હતા. નવી ઓવરનો પહેલો દડો ઓફ સ્ટમ્પ ની લાઈન ની ખૂબ જ બહાર, વાઇડ બોલ. એક મિનિટ માટે એવું લાગ્યું કે વાંદ્રા સ્ટેશનથી હાર્બરમાં જતી ટ્રેન માહિત તરફ જેમ વળાંક લે એવો વળાંક લીધો હતો બોલે. અને રન સંખ્યા થઈ ગઈ છે આઠ. આ વખતે નથી પરિવર્તન અને ગેપમાં ડ્રાઈવ કર્યો હતો. ત્યાં કોઈ ખેલાડી નથી, બે ખેલાડીઓની વચ્ચે બોલ ચોક્કામાં. પ્રદીપે ચોખ્ખો માર્યો હતો અને આ ચોખ્ખા એક ટીમના ખેલાડીઓના ચહેરા ઉપર એક મંદ મંદ હાસ્ય લાવેલ છે. ગલગલિયા થવાની શરૂઆત થઈ ગયેલ છે પેન્થર્સને કે કદાચ આપણે આ કરી શકશું. રન સંખ્યા 12.
બંને ચોક્કા જે અત્યાર સુધી લાગેલા છે, બેટ્સમેન પ્રદીપે મારેલ છે. ગૌરવ વોરિયર્સ નિલેશ નંબરી પાસેથી કઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટીપ્સ લઈ રહ્યા છે આગળની મેચ માટે. આ વખતે મોટો ફટકો માર્યો હતો મિડોન તરફ, છાતી ઉપર બોલને રોક્યો હતો. તો જેસલની ઓવરની આગલી બોલને રમવા માટે તૈયાર કરણ. એક સારી ભાગીદારી જોઈએ છે લગભગ 25-35 રનની વચ્ચેની. જો આગલી 3 ઓવર સુધી કોઈ વિકેટ ન પડે અને એક 30 રન બીજા બની જાય તો છેલ્લા પછી 4 ઓવરમાં લડવા માટેની તાકાત બચી રહેશે પેન્થર્સ પાસે. આ વખતે ઓફસ્ટમ્પની બહારના બોલને ટેપ કરીને રમ્યા હતા વાઇડિશ મિડોન તરફ, એક રન. બંને બેટ્સમેન હવે એક એક રનથી કામ ચલાવી રહ્યા છે અને વિચાર સાચો પણ છે. બેટિંગ કે રિક્ષા ડ્રાઇવિંગ જેવી છે, 100 રૂપિયાનું ભાડું ન મળે તો 18,000 ભાડા 6 વાર મારીએ તો 108 થઈ જાય. આ વખતે આગળ આવીને ફરી પાછું સારો પ્રયત્ન હતો પરંતુ તેઓ રોકી શક્યા નથી. અને આમ પણ વિલે પાર્લેમાં રહેવા વાળાને ટ્રેન પકડવાની આદત ઓછી જ હોય, કારમાં જતા હોય એટલે. મિડલ સ્ટમ્પ પર આવેલો ફૂલ લેન્થનો બોલ અને ધીમેથી રમીને એક રનથી સ્ટ્રાઇક પૂરી કરેલ છે. બંને બેટ્સમેન હવે થોડું ચપુરાઈથી રમી રહ્યા છે. તમને ખબર છે કે ક્રીઝ ઉપર આપણે ઉભા રહીશું તો રન આવશે. ઓવર પૂરી થઈ ગયેલ છે કુલ મળીને 2 ઓવર બાદ રન સંખ્યા છે 20. 72 રન જોવે છે બચેલી 6 ઓવરમાં. દરેક બોલ પર 2 રન બનાવવા પડશે, 36 બોલ 72 રન. કામ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે. બીજી બાજુ મેદાન નંબર 1 ઉપર અત્યારે બેટિંગ ચાલી રહી છે અને બેટિંગ કરી રહ્યા છે કલ્પેશ. નવી ઓવર લઈને આવી રહ્યા છે આનંદ. કલ્પેશ ખૂબ સારા ઓલરાઉન્ડર ખેલાડી છે. નવી ઓવરની શરૂઆત આનંદ દ્વારા. ફૂલટોસ બોલ અને આ સામે બોલ તેમના હાથમાં તાળી આપીને ચાલ્યો ગયો હતો. સ્ક્વેર લેગના ખેલાડીના હાથમાં જીલાતા જીલાતા રહી ગયા, પરંતુ આ ફૂલટોસ બોલ બ્લેન્ક બેરર ચેક આપ્યો હતો, માત્ર પૈસા કાઢતા આવેલ નથી. હવે રન સંખ્યા 21 ને એક બે લીધેલ છે ને, એક જ લીધો 21. આનંદ નો આગળ હાફ ટ્રેક હતો, હવે માત્ર બેકફૂટ પર જઈને ફૂલ શોટ અને આ સાથે ચોક્કો. એપીએલ ચોક્કો. કરણ ઘણા સમયથી શાંત બેઠો હતો અને પાછલા દડા ઉપર એક જ રન મળ્યો હતો પ્રદીપને. માત્ર કરણે પ્રદીપને કીધું કે તું ચિંતા નહીં કર, તારા ભાગના રન હું બનાવી લઈશ. અને 7 જન્મનું વેર વાળતા હોય એવી રીતે પૂરો પ્રહાર કર્યો હતો એ દડા ઉપર. અને આ 4 રન સાથે રન સંખ્યા હવે પહોંચી ગઈ છે 25 ઉપર. બિલકુલ આ રીતે દરેક ઓવરમાં ઓછામાં ઓછા એક ચોક્કો અથવા એક છક્કો મારવો જ પડશે અને સિંગલ ડબલ લેતા રહેવું પડશે જો આ મેચમાં બને રહેવું હોય તો. મોટો ફટકો મારે છે ક્રોસ બેટેડ શોટ, ઓછામાં ઓછા 2 રન મળે એવું લાગી રહ્યું છે. માત્ર હવે જઈને ત્યાં આગળ ધડો રોકવામાં આવે છે કોઈ માત્રો અને આ સાથે 1 જ રન. રન સંખ્યા થઈ ગઈ છે 26 બે વિકેટ બાદ. 2 વિકેટ જલ્દી જલ્દી. મેદાન નંબર 1 પર 60 રન થયેલ છે. આ સાથે ઉપાડી રહ્યો છે રોકેટ. વોટ અ શોટ, હોટ શોટ. ટી શર્ટ નંબર 13 વાળા ભાઈ થોડુંક તેમના માટે ડિફિકલ્ટ હતું કમરથી ઝૂકવું કારણ કે ટફ પોઝિશનમાં હતા. આ વખતે બેકફૂટમાં જઈને સ્ટાઇલિશ શોટ, 4 રન.
ओ चप्पो रोके छे પોતાની ડાબી બાજુ જઈને તેઓ જમણેરી છે ખરેખર તેઓએ ટીમ માટે ત્રણ રન બચાવેલ છે એમ કહેવાય ચિંતાની સ્ફૂર્તિથી અને ઓવર ત્રણ ઓવર બાદ 35 57 રન જોઈએ છે બચેલી 5 ઓવરમાં 30 દડા 57 રન બીજી બાજુ કલ્પેશ અને તેમના સાથી બેટ્સમેન જબરદસ્ત બેટિંગ કરી રહ્યા છે કોઈ વિકેટ પડી નથી હજુ સુધી પુષ્પમીત હાઈટાઈડ અત્યારે ફિલ્ડિંગ કરી રહી છે સાઈ સુરભીના કલ્પેશભાઈ શાહ તમે જુઓ એમને તો એન્ડ્યુરા માસ છેલ્લા 2 મહિનાથી એન્ડ્યુરા માસ ઉપર જ છે પરેશભાઈ મેરી સેહત દરાજ એન્ડ્યુરા માસ નવી ઓવર લઈને આવી રહ્યા છે પ્રતિક પ્રતિકે પહેલી મેચમાં ખૂબ સારી રમત બતાવી હતી અને આ મેચમાં હવે તેઓએ કંઈક કરવું પડશે સારા ઓલરાઉન્ડર છે ક્રિકેટની રમત એ ઓલરાઉન્ડરની રમત છે ટીમને બેલેન્સ મળે છે ઓપ્શન મળે છે કેપ્ટનને બોલિંગ કરતી વખતે સ્પીડ બ્રેકર અને બેટિંગ કરતી વખતે નિપટું કામ એ ઓલરાઉન્ડર પાસેથી અપેક્ષિત હોય છે 35 રન થયેલ છે 57ની જરૂર છે 5 ઓવરમાં 30 દડા 57 રન નવી ઓવરનો પહેલો દડો ઓફ સ્ટમ્પની ખૂબ જ બહાર વાઇડ બોલ બિલકુલ ઓફ સ્ટમ્પ પર ટપી પડીને બોલ એટલો બહાર ચાલી ગયો જેવી રીતે કટરીના રણબીર કપૂરથી દૂર જતી રહી છે અને કડક શોટ ખરેખર અને 1 મિનિટ માટે એવું લાગ્યું કે બોલ એ 13 નંબરના ટીશર્ટવાળા ભાઈને કહી રહ્યા હતા કે ક્યાં જઈ રહ્યો છે આવું જરા બાઉન્ડ્રી લઈને પાછા આવીએ તો સાઈ સુરભીએ સિક્સર મારેલ છે ઓવરના પહેલા દડે બેતાલીસ રન થયેલ છે હવે 50 જોઈએ છે મેચ જીતવા 4 થી 5 મોટા ફટકા મારવાના છે સ્ટ્રોક સિલેક્શન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે પેન્થર્સનું આ વખતે રિવર્સ શોટ મારવા ગયા અને આ સાથે ક્લીન બોલ હવે શું ખરેખર આની જરૂર હતી શું ચિતાએ સિંહ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈતો હતો કે ચિતા જ બના રહેવું હતું આ હવે એક સવાલ છે નસીરુદ્દીન શાહ અમિતાભ ન બની શકે પણ તેઓ બનવા ગયા અને પ્રદીપની વિકેટ પડતાની સાથે ઘણા બધા હૃદયના ધબકારા જે છે એ હવે વધી ગયા છે પેન્થર્સના ઘણા બધા પ્રેક્ષકો તેમના નખ દાંત વડે ચાવી રહ્યા છે પગથી જમીન ખોતરી રહ્યા છે પ્રદીપ આઉટ થયેલ છે સારું રમી રહ્યા હતા પ્રદીપ પરંતુ તેઓએ રિવર્સ સ્વીપ રમવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને 31 રન બનાવીને આઉટ થયા પરંતુ જો તેઓ થોડો સમય ઉભા હોત તો કદાચ પેન્થર્સ માટે તેઓ વિજય લખી શક્યા હોત હવે નવા બેટ્સમેન આવેલ છે જય આવતાની સાથે ગેપ પર રમે છે 4 રન હવામાં ભંગોળી લીધેલ છે કેચ થવાનો સવાલ નથી બહાર મેદાનની બહાર સુપર સિક્સ તો 52 રન થયેલ છે અને વિલે પાર્લે લાયન્સ અચાનક જ તેઓને એવું લાગી રહ્યું છે કે હવે કદાચ તેમનું સામ્રાજ્ય એના ઉપર મોટો એક ધોકો ખતરો આવેલ છે કારણ કે પેન્થરે તરફ મારેલી છે પ્રતિક માટે પણ આ ઓવર ખરેખર મતલબ એક 7:30 નો સમય છે જલ્દીથી પતી જાય એવું વિચારી રહ્યા છે
पर एक बार फुल टॉस दे रहे हैं आसानी बॉल मैदान की बाहर जाते रहे लगी लू जता जता एक बे बगला अंदर रोकेल इंक्लूड है मेरे को पता है त्रेपन रन बनेल ओवर समाप्त थे चार